हेलो गाइस, वेलकम टू मिकेस ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रस का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा मेथड ऑफ जॉइंट बेस्ड। इसको हम लोग, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग ये देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग किन क्वेश्चन में मेथड ऑफ जॉइंट्स या किन क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा क्या है, डिटरमाइन द एक्सियल फोर्सेस इन द बार्स ऑफ अ प्लेन ट्रस लोडेड एज शोन इन द फिगर। आपके पास एक यहाँ पे ट्रस दिया हुआ है, इसमें कुछ मेंबर्स दिए हुए हैं। आपको बोला एक्सियल फोर्सेस निकालने के लिए इन द बार्स ऑफ अ प्लेन ट्रस। यहाँ पे क्या है, आपको किसी स्पेसिफिक बार के बारे में नहीं पूछा गया है। आपको बस इतना पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, एक्सियल फोर्सेस निकालना है मेंबर्स के। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ सकते हो कि हमको यहाँ पे सभी मेंबर्स का निकालना है, जैसे कि AC, BC, CD, BD, CE, DE, ये सब क्या आपके मेंबर्स दिए हुए हैं। तो मुझे सबको क्या निकालना है, एक्सियल फोर्सेस निकालना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि सभी सभी मेंबर्स के एक्सियल फोर्सेस निकालने के लिए, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, मेथड जॉइंट अप्लाई करेंगे। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक मेंबर्स के बारे में, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेंबर्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिर्फ इनका निकालो फिर उसका निकालो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने हैचिंग किया हुआ नीचे में, तो ये आपका कोई मेंबर नहीं है, ये आपका क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, तो इसका ये अपना कोई मेंबर नहीं, आपको ध्यान रखना है, ए बी इज़ नॉट ए मेंबर। तो हमको बेसिकली कितने का निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये आपको जो दिया हुआ है ये एक एक्सटर्नल लोड है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोड है जो कि डी पे अप्लाई हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ जॉइंट अप्लाई करने के लिए आपको ये बात पता है कि हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज समेशन FX इक्वल टू 0 एंड समेशन FI इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है तो मैं दो अननोन जहाँ पे होंगे वहीं पे हम लोग दो इक्वेशन को यूज करके दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मुझे ऐसे जॉइंट पे जाना है जहाँ पे दो ही अननोन हो। ठीक है, जैसे कि अपन लोग ए पे तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या है, देखो ट्राई करना अवॉइड करने के लिए सरफेसेस को, ठीक है, सरफेसेस को अवॉइड करना ट्रस को सॉल्व करते वक्त हमेशा। ठीक है, तो अपन इस सरफेस को नहीं लेंगे, ए और बी को अपन यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ आप डी सी पे आ जाओ। सी पे जब आएंगे देखो, सी पॉइंट से आपके कितने मेंबर्स पास हो रहे हैं, ये है, ये है, ये है और ये है, टोटल यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। तो अपन चारों को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब एक बार में सी को लेके चारों को निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू डी। मुझे सिर्फ दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब डी पे आएंगे तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, जिसमें से ये क्या अपना एक्सटर्नल लोड है, तो उसको आप भूल जाओ, बचा कौन सा 1, 2, 3, इसको अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ कम टू जॉइंट ई। जॉइंट ई पे जैसे आप आओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ देखो एक और दूसरा दो मेंबर दिया हुआ है, ये पहला मेंबर है आपका, दूसरा मेंबर है, तो दो मेंबर दिया हुआ है, तो यस वी कैन गो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जॉइंट ई से अपन शुरुआत करेंगे और जॉइंट ई जब लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये और ये मिल सकता है। तो क्यों, क्योंकि ये दो एक्सियल फोर्सेस हैं और मेरे पास दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे लिख लो जॉइंट ई। ठीक है, जॉइंट ई को लिखने के बाद हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जॉइंट ई का फिगर बनाना पड़ेगा। देखो जॉइंट ई का फिगर कैसे बना हुआ है, देखो पॉइंट लगा दो, देखो ई कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे कोई फिगर नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर इसको लिख लो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी कुछ बनाते हो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता एक्चुअली वो। देखो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आ जाओ। ठीक है, इसका नंबर तो क्या देंगे, FED लिखो या फिर FDE लिखो, एक ही मतलब है, FED लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, FED लिख दिया मैं इसका नाम। ठीक है, इसका एक्सियल फोर्स का नाम क्या होगा आपका, FED होगा। ठीक है, अब ये बताओ क्या होगा उसका, इस एक्सियल फोर्स का नाम क्या होगा, FCE लिखो या फिर FEC लिखो, ये ऐसा इंक्लाइंड देखो आपका, ऐसा इंक्लाइंड है, दिस FCE। ठीक है, ये एंगल देखो कितना दिया आपको, 45 डिग्री दिया, तो लेट दिस बी 45 डिग्री। ओके फाइन, देखो 45 डिग्री कैसे होगा, ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, टेक दिस ट्राइंगल, दिस 90 डिग्री, तो दिस इज 45, तो दिस विल 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज 180, तो ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 80 एंगल्स 180 होते हैं। वैसे देखो ये कितना होगा आपका, ये 45 तो ये 45, क्यों 45 होगा, बिकॉज दिस इज 90, 45 प्लस 90 प्लस 45 इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 45 ये 90 है, तो ये कितना होगा अपना, 45 डिग्री होगा। फाइन, तो ये अपने एंगल मिल से 45 डिग्री होगा।
देखो बुक में देखना, आपको ये एंगल एक्चुअली नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको मैं बताया कि एंगल निकाले कैसे अपन। फाइन, अब यहाँ पे देख लो, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था। उन दो कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया था? पहला कॉन्सेप्ट क्या था बताओ? जब किसी दो पॉइंट से एक पॉइंट से दो मेंबर्स की एक्सियल फोर्सेस पास हो रहे हों और उस पॉइंट पे तीसरा कोई मेंबर ना हो या फिर तीसरा कोई एक्सटर्नली अप्लाइड लोड ना हो, तो उस केस में क्या होता है? आपका ये जीरो होता है, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे बैलेंस टेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या होंगे? आपके जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली जीरो देयर। फाइन, ये अपना हो गया। अब बताओ अपन कहाँ पे आएंगे। देखो एक बात तो क्लियर हो कि ये दो मेंबर्स के अपने को वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज जीरो। अब बताओ हम कहाँ पे आएंगे। हमको वही देखना है जहाँ पे दो एक्सियल फोर्सेस निकालने हो। अगर अपन डी पे आएंगे, देखो क्या है, एक दो तीन चार था जिसमें ये जीरो हो चुका है। जीरो हो गया तो उसका भूल जाओ। अब ये अब क्या है, एक एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है जिसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे दी हुई है, तो ये और ये लेके अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। यस, वी हैव टू गो टू जॉइंट जॉइंट डी, जॉइंट यहाँ पे डी लिख दो। ठीक है, जॉइंट डी लिखने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जॉइंट डी को बना लो। तो देखो तो इस पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से नीचे ले आ जाओ, दिस इज 1 किलो न्यूटन। फाइन, इधर लेके आ जाओ, दिस इज एफ सी डी लिखो। ये मेंबर का नाम क्या है? सी डी है, तो एफ सी डी लिखो या फिर एफ डी सी लिखो, एक ही मतलब है। देखो नीचे कुछ आ रहा है, दिस इज बी एंड दिस इज डी, तो ऐसे दिखा दो, दिस इज एफ बी डी। ठीक है, ओके। तो अब वही वाली बात है, यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस दिखा दो, यहाँ से उसको आप वाई एक्सिस दिखा दो। तो देखो तो ये कौन सा है, एफ सी डी कौन सा है, नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और ये 1 किलो न्यूटन जो दिया है आपको, देखो कहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, ये जो है देखो आपका क्या इंक्लाइंड है कि नहीं, तो इंक्लाइंड है तो किस कहीं ना कहीं से ये एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर देख लो एक बार, इफ देखो ये और ये क्या आपका आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये आपको क्या पैरेलल लाइन से, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये आपको क्या होगा, 45 डिग्री बनेगा। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे जॉइंट डी को दिखा दिया है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ आई इक्वल टू 0। तो चलिए बनाते हैं इसको, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 आपको देखो क्या होगा, देखो एक दो तीन, ये तीन जो फोर्सेस आपको दिए हुए हैं, देखो एक्स में कौन सा नहीं आएगा आपको ये पहले ये समझना है। यहाँ पे टोटल फोर्सेस कौन से हैं, एक दो तीन, ये तीनों फोर्सेस दिए हुए हैं, जिसमें से एक्स में जो वाई में प्योरली लगा हुआ है वो आपका नहीं आएगा। जो फोर्स प्योरली वाई में जा रहा है वो आपका नहीं आएगा, जैसे कि 1 किलो न्यूटन। देखो तो ये आपका कहाँ है, प्योरली वाई में है कि नहीं, तो ये एक्स में काउंट नहीं होगा। तो देखो आप कौन से लोगे, ये लोगे डायरेक्टली विथ नेगेटिव, बिकॉज ये आपको क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन मूव करा, तो अपन क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ये क्या आएगा, एक्स में एक कंपोनेंट आएगा। ठीक है, कैसे कंपोनेंट आएगा बता दूंगा आपको मैं। देखो सॉल्व करो, देखो क्या आएगा अपना, ये माइनस एफ सी डी। ठीक है, और ये बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और वाई कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बिकॉज अपना कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के कारण क्या होगा, इसका एक्स यहाँ पे आएगा, वाई यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा अगेन, तो माइनस एफ बी डी। एंगल बताओ क्या होगा, सिंस दिस एंगल इज विथ एक्स एक्सिस और हम लोग एक्स एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिसके जिस एक्सिस के अलॉन्ग एंगल लगा होता है उस एक्सिस के अलॉन्ग कॉस कंपोनेंट लगता है, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है वहाँ पर आपका क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। आपको बस इतना बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 0, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हो। ना कम टू समेशन एफ आई इक्वल्स टू 0, तो वो यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा, अगर मैं वाई पे लूँगा तो मुझे करना क्या है, जो फोर्सेस प्योरली एक्स एक्सिस में लगा हुआ है उसको मुझे यहाँ पे इग्नोर करना है। तो देख लो यहाँ पे एक्स में कौन सा लगा है, एफ सी डी लगा हुआ है, तो उसको भूल जाओ आप, इसको लिखो। देखो यहाँ पर क्या नेगेटिव एक्स एक्स नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो दिस विल बी -1। ठीक है, देखो यहाँ पे किलो न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा हमें, तो मतलब क्या है, एफ सी डी और एफ बी डी ये दोनों क्या होंगे, किलो न्यूटन में होंगे। इनका जो यूनिट होगा, दिस इज फोर्स, फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या किलो न्यूटन होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं इसको 1000 नहीं लिख के मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हूँ। देखो वहाँ पे क्या लिखा, 1 किलो न्यूटन लिखा है, और या देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैं 1 ही लिखा हूँ, तो ये अपना क्या है, 1 किलो न्यूटन। मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी फोर्स के यूनिट्स होंगे वो तुम्हें क्या होंगे, किलो न्यूटन में ही रहेगा। फाइन, ये अपना यहाँ लिख चुके हैं। अब देखो ये अपना जो वाई कंपोनेंट है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जो कि नेगेटिव में है ना, एक्स यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, वाई यहाँ पॉजिटिव होता है, वाई यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ लिख दिया। देखो ये यहाँ पे आएगा, दिस इज माइनस एफ बी डी।
एंगल बताओ क्या आएगा यहाँ पे, ये एक्स में तो क्या लगाया 45 डिग्री एंगल लगा हुआ है, तो वाई में क्या आएगा अपना साइन कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जिसका एंगल लगाता है वो अपना क्या होता है कॉस कंपोनेंट, और जिसका एंगल नहीं लगाता वो अपना क्या होता है साइन कंपोनेंट। ठीक है अपना हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ बी डी को निकाल सकते हैं, तो देखो ये क्या होगा, इसको पूरे को वहाँ पर ले जाओ, तो एफ बी डी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू -1, इसको मैं वहाँ पे ले गया तो अपने पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, तो एफ बी डी साइन 45 इक्वल्स टू -1 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फाइन ये बताओ क्या अपना एफ बी डी साइन 40 होता कितना, तो 1/√2 होता है, तो दिस इज अपॉन में √2 इक्वल्स टू -1 विच इम्प्लाइज एफ बी डी इक्वल्स टू -√2। ठीक है ये अपना क्या आएगा किलो न्यूटन में आएगा। ठीक है अब चूंकि ये नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है ये अपने क्या दिया नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा ये कंप्रेसिव होगा। ठीक है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है टेंसाइल होता है, और नेगेटिव मतलब क्या होता है कंप्रेसिव होता है। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो अपने को ये बात भी पता है कि एफ बी डी क्या अपना ये बी डी, ठीक है बी डी मेंबर का एक्सियल फोर्स है, और ये कैसा एक्सियल फोर्स देखो तो आपको ये कंप्रेसिव एक्सियल फोर्स दिया हुआ है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स दिया हुआ है। तो देखो हम क्या लिखेंगे इसको, हमेशा पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है तो पॉजिटिव हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव रूट टू लिख दिया यहाँ पे राइट है किलो न्यूटन, यहाँ ब्रैकेट लिखो कंप्रेसिव। ठीक है यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कंप्रेसिव लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये बी डी जो है ये जो मेम्बर है वो क्या है √2 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड यहाँ पर लगेगा। फाइन अब इस वैल्यू को जब अपन यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन वन में रखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे नेगेटिव रखेंगे, देखो इसका असली वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो अपन यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पे ये रूट टू पॉजिटिव में नहीं है, देखो यहाँ पे कंप्रेसिव में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कंप्रेसिव का मतलब भी अपना क्या है नेगेटिव में ही क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपन जब वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे √2 में रखेंगे विथ नेगेटिव साइन। फाइन तो इक्वेशन वन में आ जाओ, इक्वेशन वन बिकम्स देखो क्या बन जाएगा अपने इक्वेशन वन माइनस, देखो यहाँ पे अपने क्या दिया माइनस एफ सी डी माइनस एफ बी डी, देखो कितना दिया अपने कहाँ पे एफ बी डी -√2 दिया हुआ है, तो ये देखो अपने क्या माइनस माइनस अपना दिस इज √2। ठीक है कॉस 40 होता है अपना कितना होता है 1/√2 होता है, दिस इक्वल्स टू 0, देखो अपना कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है अब यहाँ क्या बचा अपना 1 बचा है, तो उस 1 को वहाँ भेज देंगे, इम्प्लाइज माइनस एफ सी डी इक्वल्स टू -1। ठीक है तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल विच इम्प्लाइज एफ सी डी इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव आई कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टेंसाइल लिखेंगे, बिकॉज ये अपना क्या है वैल्यू पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सी डी में जो लोड लगा हुआ है सी डी में आपको जो एक्सियल लोड लगा हुआ है अपना कैसा है एक्सियल टेंसाइल फोर्स है। ठीक है ओके अब जैसे हम लोगों ने जॉइंट डी को लेकर के ये दो निकाल लिया है, ठीक है वैसे हम क्या करेंगे जॉइंट सी को लेके अब ये जो आपको बचा मतलब जो आपको बचा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो देखो जॉइंट सी कैसे बनेगा आपका, जॉइंट सी ठीक है पहले जॉइंट सी को अपन बना देते हैं, पहले यहाँ पे देखो जॉइंट सी कैसा आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखो ये आपका 0 है ना इसको भूल जाओ, यहाँ पे आओ ऐसा गया ऐसा गया ऐसा आया, ठीक है तो जॉइंट सी देखो एक ऐसे आएगा एक नीचे आएगा और ये कैसा ऐसा आएगा। ठीक है ओके इनिशियली हम लोग क्या करते हैं सबको बाहर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है मतलब हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं टेंसर लेके चलते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया तो क्या होगा उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है तो देखो अपना क्या सी डी है तो दिस इज एफ सी डी, ठीक है ये आपका बी सी है तो दिस इज एफ बी सी, ठीक है ये आपका सी ए है तो दिस इज एफ सी ए। फाइन अब देखो ये 45 डिग्री दिया तो आपको ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री तो दिस इज 45 डिग्री, यहाँ पर आप दिखा दो इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये अपने क्या हो जाएगा ये वाई एक्सिस हो जाएगा। फाइन तो अब हम क्या निकालेंगे एफ एक्स एफ वाई निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो देखो इसका अपन एफ एक्स जब लेंगे तो क्या होगा इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज एक्टिंग प्योरली ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है तो इसको अपन नहीं लेंगे इसको लेंगे एफ सी डी, ये पॉजिटिव हो गया आपका, देखो ये क्या है इंक्लाइंड है, ठीक है तो इंक्लाइंड है लेकिन देखो इसका एक्स कंपोनेंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा तो विच इज़ नेगेटिव एफ सी ए, और एंगल देखो कहाँ लगा है 45 डिग्री वाई में लगा हुआ है तो एक्स में क्या होगा आपका साइन कंपोनेंट होगा दिस इज साइन 45 डिग्री
इक्वल्स टू जीरो। मैं पहले आपको कह चुका हूँ एंगल जिसमें लगा होता है वो आपका कॉस कंपोनेंट होता है, जिसमें नहीं लगा होता आपको क्या साइन कंपोनेंट होगा। एंगल तो कहाँ लगा है, वाई में लगा हुआ है, तो एक्स क्या होगा आपका साइन कंपोनेंट होगा, वाई आपको क्या होगा कॉस कंपोनेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर टू ले लो, बिकॉज ये एक ऐसे इक्वेशन जहाँ पे आपको दो नॉन दिए हुए हैं और दोनों मुझे नहीं पता बेसिकली, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, एफ सी डी अपन पता है क्या, यस निकाल चुके ऑलरेडी, एफ सी डी अपन निकाल चुके, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एफ सी निकाल सकते हैं। यस एफ सी बताओ क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज एफ सी डी विच इज़ 1 किलोन्यूटन, तो यहाँ पे 1 रहने दो, उसको वहाँ पे ले जाओ, दिस इज एफ सी ए, दिस इज साइन 45, तो साइन 40 क्या होगा आपको 1/√2 होगा, विच इम्प्लाइज एफ सी ए इक्वल्स टू √2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो चूंकि वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है तो वी हैव टू राइट हियर टेंसाइल लोड। ठीक है, अपना कैसा है एफ सी ए, एफ सी ए में बताओ कौन सा लगेगा, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी को निकालेंगे, तो टेक समेशन एफ आई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ इसको देखो, ये तो आएगा नहीं अपना, ये आएगा दैट इज माइनस एफ बी सी, ये बताओ क्या आएगा, अगेन नेगेटिव कंपोनेंट के साथ आएगा, माइनस एफ सी ए विथ कॉस कंपोनेंट, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू जीरो। फाइन, अब देखो यहाँ पे एफ सी अपन निकाल चुके हैं, यहाँ पे एफ सी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, फिर एफ बी सी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ कैसे निकालेंगे, एफ माइनस एफ बी सी इक्वल्स, उसको वहाँ पे ले जाओ, दैट विल बी एफ ए सी, एफ ए सी तो वैल्यू कितनी दी आपको यहाँ पे, √2 दिया हुआ है, तो राइट हियर √2। ठीक है, कॉस 40 वाला कितना होता है, 1/√2 होता है, तो आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, तो इफ माइनस एफ सी इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज एफ बी सी इक्वल्स टू −1 किलो न्यूटन। ठीक, इसको तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 किलो न्यूटन, ब्रैकेट में लिखे अपन कंप्रेसिव लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं, पहले अपन लोग चार निकाल चुके थे और जो जॉइंट सी अपन यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जॉइंट सी में हम देखो क्या निकाले, जॉइंट सी में हम लोग निकाले एफ सी ए, एफ सी ए निकाल दिए और एफ बी सी देखो अपन यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बस एक्यूरेसी ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ एंगल्स वगैरह ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन लगता है, बस ये कुछ बेसिक आप ध्यान में रखो, यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, अगले कुछ क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूँ, सो अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।